जोम्बी यूनिवर्स, जहां जोकास्टा पूछती है डायरेक्टर लिटिल स्काई आप हमें कहाँ ले आए। तब डायरेक्टर लिटिल स्काई बताता है कि जीपीएससी के हिसाब से सेंट्रल पार्क में, और तब हम देखते हैं जोम्बी यूनिवर्स की तबाही, जिसे देखकर जोकास्टा कहती है सब कुछ जो जिंदा था अब तबाह हो चुका है, सबका सब। तब लिटिल स्काई कहता है मैं इस कोऑर्डिनेट्स पर 8 घंटे बाद आऊँगा तुम्हें और डॉक्टर मॉर्बियस के सैंपल को लेने, अगर तुम यहाँ पर नहीं मिले तो मैं समझूंगा कि तुम डिस्ट्रॉय हो चुके हो, गुड लक। तब मशीन मैन कहता है क्या कहा आपने। तब जाते वक्त लिटिल स्काई कहते हैं मैंने कहा गुड लक, और वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तब मशीन मैन कहता है मैं यही सोच रहा था। वन आवर्स एक्सट्रैक्शन की तरफ, जहाँ पर जोकास्टा कहती है आर्मर ने मेरे सेंसरी एरे में बायोरिदम लोकेटर्स ऐड किए हैं हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जो कॉन्सेंट्रेशन है जेन्युइन लाइफ के, चलो इस तरफ डाउन डाउन की ओर। तब मशीन मैन कहता है डैम, मुझे अब रियलाइज हुआ कि मुझे लिटिल स्काई के साथ क्या डील करनी चाहिए थी, जिसने मेरा शील्ड कॉन्ट्रैक्ट राइड किया है। दुनिया को बचाना सुपर जॉम्बिस से इसकी कीमत $1 मिलियन हो सकती थी, तुम सोच भी सकती हो जोकास्टा, एक ड्रिंकिंग ट्योर चेस रिपब्लिक के बीच में से, जिसको एजेंसी पेड करती, और मैं हमेशा से पिल्सन देखना चाहता था जो बोहेमियन गोल्डन लेगर का बर्थ प्लेस है। तब जोकास्टा कहती है तुम बदल चुके हो एरॉन, जिस पे वो जवाब देता है नहीं मैं मैच्योर हो चुका हूँ। तब वो कहती है जिस मशीन मैन को मैं जानती थी वो एक हीरो था, उस पे मशीन मैन जवाब देता है जिस मशीन मैन को तुम जानती थी वो अनसुलझा था, वो सोचता था जिन फ्लैशेस ने उसे बनाया वो उसे प्यार करते हैं, और वो उन्हें तब तक प्यार करते जब तक वो उनके फ्लैशबैक को बचाता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने उन फ्लैशेस के बाद खुद को मॉडल किया और नंबर 1 की तलाश में निकल पड़ा, और अब मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तब जोकास्टा कहती है तो फिर उस टोपी का क्या, जिसपे वो कहता है मुझे ये बाल पसंद है। मशीन मैन आगे कहता है और ज़्यादा मॉडर्स्ट आउटफिट, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन तुम जानती ही हो हर कोई सब कुछ देख सकता है। तब वो कहती है इसे परवाह है वो क्या देख रहे हैं, मैं एक रोबोट हूँ। तब मशीन मैन कहता है एग्जैक्टली, ना कि होबोट। तब वो नाराज़ होकर वहाँ से जाते हुए कहती है मैं तुमसे अब बात नहीं करना चाहती। तब वो कहता है रुको मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उसके पीछे जाने लगता है। तब हम देखते हैं जॉम्बी वल्चर का पंख। तब हम आसमान में देखते हैं जॉम्बी एंजल, जॉम्बी वल्चर और जॉम्बी फैल्कन, जिसमें से कुछ लोग जोकास्टा को पकड़ कर कहते हैं बताओ बताओ वो कहाँ है, बताओ बाकी के लोग कहाँ है, और तुम कहाँ से आए हो, और एक जॉम्बी म्यूटेंट मशीन मैन को काट लेता है। तब मशीन मैन कहता है तुम एक गिद्ध के उल्टी की तरह स्मेल कर रहे हो, और अपनी उंगली से ट्रिगर दबाकर उसे मार देता है। वही दूसरी तरफ फैल्कन जोकास्टा का पैर निकाल कर कहता है नहीं ये तो एक मैनिक्विन है। तब जोकास्टा उसे अपने लेजर से मारते हुए कहती है जाने दो मुझे, और यहाँ पर मशीन मैन गिरते हुए कहता है कि अब इन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं उन सब की आतरिया बाहर निकालूंगा जो ऊपर टहल रहे हैं इसके परिणामों की परवाह ना करते हुए, ये एक जॉम्बी यूनिवर्स नहीं बल्कि ये एक हेवन है रोबोट्स के लिए। और अपना हाथ एक कटर में बदल कर वो जॉम्बी एंजल के आर पार कर देता है। तब नीचे गिरते वक्त जोकास्टा अपना हाथ जॉम्बी वल्चर के शरीर में धंसा देती है, उसकी एक अतरिया बाहर निकालकर नीचे गिरने लगती है। तब जोकास्टा किसी चीज से टकराकर वो अतरी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, जिसपे मशीन मैन उसे पकड़कर कहता है मैंने पकड़ लिया। तब जोकास्टा आसमान की तरफ देखकर कहती है तुम इस बारे में चिंता नहीं कर रहे कि वो जाकर बाकियों को वार्न कर देगा। तब मशीन मैन अपना मिसाइल लॉन्चर रेडी कर कहता है पर्टिकुलरली नहीं, वो अपने रॉकेट लॉन्चर से वल्चर को शूट करता है, जहाँ पर दो ज़ॉम्बीज एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने कुछ सुना, तब दूसरा कहता है नहीं, और वो दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे जाकर वो मिलते हैं लीडर से, जहाँ पर लीडर कहता है 5-6 कैन सिर्फ 30 मिनट में, और दूसरे से कहता है 4 कैंस और 20 मिनट में। तभी किंग पिन अपने महल से बाहर आता है, जहाँ पर वो दोनों उसकी जय जयकार करने लगते हैं। 3.20 आवर्स एक्सट्रैक्शन की तरफ, जहाँ कहीं और छुपकर जोकास्टा कह रही थी ठीक है अब पीछे हटते हैं। तब मशीन मैन कहता है मैं अपना व्यू गिव अप करता हूँ। तब जोकास्टा कहती है तुम एक बहुत ही कमज़ोर रोबोट हो, उस पर मशीन मैन कहता है हाँ ये बहुत बार सुन चुका हूँ मैं, और वो आगे कहता है तुम्हें पक्का यकीन है कि वो फ्लैशेस यही होंगे। तब जोकास्टा कहती है मेरे सेंसर्स कह रहे हैं कि 200 या 300 लोग यहाँ पर है,
और उन्हें फ्लैशेज कहना बंद करो, वो लोग है। तब वो कहता है ठीक है, मैं एग्नोस्टिक रहूँगा इस सब्जेक्ट पर। और वो कहता है चारों तरफ पहरेदार है, छत पर भी, और एक पहरेदार घूम रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इसलिए हमें रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा।